यमुना नदी किस तरह से कब्जा कर रही है दिल्ली के शहरी इलाकों में, इसका एक नज़ारा देखिए। यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन तक ये यमुना नदी का पानी दिख जाएगा। पीछे जानवरों को बचाने की कोशिश है, वो भी आपको दिखाते हैं। सामने देखिए आईटीओ की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता पूरी तरह से बंद है, और जानवर देखिए, जानवरों को पानी से बचाया जा रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता जायजा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, विधायक हैं, और साथ ही साथ देखिए इस डूबे हुए यमुना नदी के पानी से बाहर निकलते हुए हम उन तक पहुंचेंगे, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशासन कितना अलर्ट था, आखिर क्या इंतज़ाम किए गए, लोगों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी का क्या हल है, और अब क्या इंतज़ाम किए जाएंगे जब फिलहाल इमरजेंसी जैसे हालात इन इलाकों में नज़र आ रहे हैं। दुर्गेश पाठक हैं यहाँ पे इलाके से विधायक, तानी चौकी भी यहाँ पे मौजूद है, पार्षद भी मौजूद हैं। हम ये चाहेंगे कि इस तरफ आ जाए, थोड़ा लाइट की समस्या है, लेकिन दुर्गेश सवाल यही है, सीधा सवाल यही है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग अपील कर रहे हैं, उन्हें मदद चाहिए, क्या कदम उठाएगा प्रशासन? पूरी तरह से लगे हुए हैं, सारी पूरा का पूरा प्रशासन लगा हुआ, हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, एसडी हमारे काउंसलर लगे हुए हैं, एमएलएज लगे हुए हैं, हमारे सारे मिनिस्टर्स ग्राउंड पे हैं, सब लोग एक एक जगह जाकर लोगों को निकाल रहे हैं, रिलीफ कैंप तक पहुंचा रहे हैं। अभी अभी जस्ट हमें सूचना पता चली कि यहाँ पे पास में गौशाला है जिसमें से लगभग 200 गाय तो निकाल दी गई, लेकिन 30-40 गाय ऐसी हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो नहीं निकाल पाई हैं, उनके लिए अभी टीम तुरंत यहाँ से भेज रहे हैं, नाय का इंतजाम करा रहे हैं, उनको भी अभी आधे घंटे में वहाँ से निकालेंगे। तो पूरी टीम ग्राउंड पे लगी हुई है। 78 के बाद ये पहली बार इतनी प्रेसिडेंशियल लेवल पर बाढ़ आई है, और आपको ध्यान होगा लोकल लोग बता रहे थे कि जब 78 पे बाढ़ आई थी तो पूरा तबाह हो गई थी दिल्ली। आज यमुना के किनारे इलाकों में, खासकर जो यमुना से साइड इलाकों में, वहाँ पे दिक्कत है, और बताया जा रहा है शायद आज शाम से या कल सुबह से पानी का लेवल नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है लोगों को थोड़ी रिलीफ मिलेगी। पानी रात से ही यहाँ पे घुसा हुआ है दुर्गेश, लोगों का ये भी कहना है कि खाने पीने का भी यहाँ इंतजाम करना होगा, क्योंकि जहाँ आप और हम मौजूद हैं ये शहरी इलाका है, सड़कें डूब गई हैं, फ्लाईओवर का रास्ता बंद कर दिया गया है, सिग्नेचर ब्रिज से लेकर आईटीओ तक आने जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, उस नाराजगी का जवाब कैसे देंगे आप? देखिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके पास भी कहीं इन्फॉर्मेशन है, और हम लोगों से भी कह रहे हैं कहीं इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे खाना नहीं पहुँच पा रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, हमें बताइए, हम तुरंत पहुँचाएंगे। अभी हम लोग तुरंत यहाँ पे 11:30 बजे भंडारे का इंतजाम शुरू कर रहे हैं, गुरुद्वारे के अंदर खाने की व्यवस्था की गई, कम्युनिटी सेंटर के अंदर खाने की व्यवस्था की गई है, तो जहाँ पे भी रिलीफ कैंप लगाया गया हर जगह खाने की व्यवस्था की गई है। अगर आपके पास भी कोई पर्टिकुलर जानकारी है तुरंत हमें बताएं, हम वहाँ भी खाना पहुँचाएंगे। हनुमान मंदिर काफी प्रसिद्ध है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, पानी यहाँ तक पहुंच गया, रेलवे स्टेशन तक पानी पहुंच रहा है, ब्रिज तक पानी पहुंच रहा है, क्या ये खतरे की घंटी है? लोगों को और कैसे सतर्क रहना होगा? निश्चित रूप से जो लोग भी यमुना फ्लड एरिया के आसपास रहते हैं उन सब से ये मेरा निवेदन है कि वहाँ से वो निकलें, बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें मत सोचें कि हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, हम फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि सब लोग निकलें, सामान वामान बाद में भी आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि खुद निकलें वहाँ से। आप भी विधायक हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1978 की बाढ़ का जिक्र हो रहा है और आप तो उससे पहले से ही ये सब कुछ देख रहे हैं, थोड़ा बताइए कि उस वक्त क्या हालात थे, अभी क्या हालात हैं, विधायक होने के नाते ना यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, साथ ही साथ आप यहाँ रिहायशी भी आपकी है, उस दौर को याद कीजिए और आज के दौर को कंपेयर करते हुए क्या कहना चाहिए? ऐसे उस टाइम हम लोगों ने यहाँ बांध बनवा दिए थे, आपने देखा था काफ़ी ऊंची दीवारें बना दी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली आपकी बारी ऐसा, और दीवारों को भी फार के पानी आप पास आ रहा है, तो पानी का स्प्रो बहुत ज़्यादा है और पानी को रोक नहीं पा रहे। अब वहाँ से लोगों को निकाल के दिल्ली गवर्नमेंट टेंटों में ला रही है, हम लोग उसमें खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, खाना गुरुद्वारे से भी आएगा, दिल्ली गवर्नमेंट भी देगी, यहाँ भंडारे भी लग रहे हैं। तब क्या इस तरह से नाव चलानी पड़ रही थी 1978 में, और जब भी बाढ़ आई उसके बाद? नहीं, इसमें तब भी नहीं आया था, इसमें पानी तब भी नहीं आया था, बार वाली रोड पे आया था, यहाँ नहीं आया था, यहाँ तो आज पहली दफा। सबसे भयानक तस्वीर है अब तक, सबसे भयानक है। चलिए तस्वीर आप देख रहे हैं और एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे कैमरामैन दीपक बिष्ट आपको ये दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से, रास्ता बंद है, पानी पानी हो गई है दिल्ली।